बीदर जिले के बसवकल्याण तालुके में जनता दल सेकुलर पार्टी कार्यालय ऑफिस में आज एक प्रेस मीट बुलाई गई। इस प्रेस मीट में जनता दल सेकुलर पार्टी के लीडर श्रीमान जनाब श्री अशरफ अली खादरी साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता दल सेकुलर पार्टी के नतुन तालुकाध्यक्ष श्री अरशद महागवी जी को और जनता दल सेकुलर पार्टी के नतुन तालुका कार्याध्यक्ष श्री आकाश खंडाले जी को श्री जनता दल सेकुलर पार्टी के लीडर जनाब श्री अशरफ अली खादरी साहब ने मुबारकबाद दी और अभिनंदन कहा। और इस समय जनता दल सेकुलर पार्टी के नतुन तालुकाध्यक्ष श्री अरशद महागवी जी और श्री सुशील अवस्थी जी, अनिल परप्पा जी इस समय उपस्थिति थे। इसी तरह के नए न्यूज़ देखने के लिए हमारा BK9 न्यूज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बुलाने का मकसद ये रहा कि तालुका प्रेसिडेंट का नाम हमारा अलाउंस होने के बाद हम पार्टी को कैसा मजबूत करना, कैसा ऑर्गेनाइज करना, ये प्रोग्राम ले रहे थे। अशरफ अली साहब हमारे लीडर अचानक बेंगलोर गए हुए थे ट्रेनिंग में, इसकी वजह से 2-3 दिन लेट हुआ, उसके लिए हम आप सबसे माफ़ी चाहेंगे। फिर अब आगे आने वाले दिनों में जनता दल को बसवकल्याण में हमेशा से जनता दल का झंडा लहराया है 7 मरतबा, सिर्फ 2 मरतबा कांग्रेस और बीजेपी, एक एक मरतबा मौका मिला। अब इस वक्त बीजेपी को बाई इलेक्शन में मौका मिला, तो अब आने वाले दिनों में वर्कर्स को जोड़ना है, नए लोगों को इस पार्टी में लेना है, ऐसा उम्मीद के साथ हमको जिम्मेदारी दी गई है। तो लिहाजा मेरा ये काम रहेगा कि जो सीनियर लीडर और हमारे यहाँ के लीडर जो कॉन्फिडेंस हम पर करे हैं, आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह उसको मजबूती से पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे। थैंक यू साहब। फिर जो है हमारे मंडपर साहब, इनकी इजाज़त से हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी छः जो सदर थे वो मुंतखब हो गए हैं, उसमें बसव कल्याण से हमारे जो है अरशद भाई का, महागवी का जो है नाम आया है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम साहब का, हमारे कुमार स्वामी साहब का, देवीगौड़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को रखकर अरशद साहब को यहाँ का लोकल का प्रेसिडेंट बनाया। अब हमारे आगे अरशद भाई की जिम्मेदारी, जवाबदारी है पार्टी को कैसा मजबूत करना, कैसा लेकर चलना, लोगों से कैसा मिलना, कैसा जुड़ना, पार्टी को कैसा बढ़ाना, पार्टी के हाथ में क्या बेहतर है, ये काम करना हमारे प्रेसिडेंट साहब की जवाबदारी है। जैसे लास्ट इलेक्शन के टाइम पर बहुत से हमारे वर्कर बहुत कम थे पार्टी के, अब यहाँ से वर्कर बनाना, संगठन को हमारी मजबूत करना, ये आगे हमारा काम रहेगा और हमारे अच्छे